लास्ट में डिसीजन वही था बैटरी की वजह से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. दोनों की डिस्प्ले में देखूँ तो आप देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. लेट्स सी कैसा दिखता है. ओ भाई साहब, इट्स अमेजिंग मैन. क्या हाल चाल जी, सब बढ़िया होंगे. 14 प्रो मैक्स लेने जा रहा हूँ और 14 प्रो मैक्स जो कि मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है यार. अवेलेबल तो छोड़ो, यहाँ पे एप्पल स्टोर ही नहीं है. तो यहाँ से थोड़ी सी दूर है मिल्टन कीन्स. तो मैंने मिल्टन कीन्स सुबह मैंने कॉल करके पता किया था, तो उन्होंने कहा कि अवेलेबल है, पर उन्होंने कहा था कि जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो स्टॉक आउट हो जाएगा. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but I'm just Milton Keynes के लिए मेरे को यहाँ से इंटरचेंज जाना है. इंटरचेंज मतलब कि बस स्टैंड को बोलते हैं यहाँ पे ना, जैसे अपने इंडिया के अंदर बस स्टैंड होते हैं तो यहाँ पे उसको इंटरचेंज बोल देते हैं. तो वहाँ से मेरे को बस मिलेगी मिल्टन कीन्स के लिए MK1, जो मेरे को 1 से 1.5 घंटे के अंदर मिल्टन कीन्स पहुँचा देगी. और मेरे साथ में एक सीन और हो गया था. मैंने 13 प्रो मैक्स खरीदा था 256 GB. मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी, पर लोगों को लगा 14 प्रो मैक्स है वो. वो 14 प्रो मैक्स नहीं था, वो 13 प्रो मैक्स था 256 GB. मेरी इच्छा थी कि मैं 13 प्रो मैक्स पे रहूँ, पर वो सीन ऐसा हो गया था कि मेरा मन ही उतर गया कोई पुराना फ़ोन लेने से. मैंने पुराना खरीदा था वो तकरीबन 256 GB मैंने खरीदा था 85,000 रुपये का, 256 GB इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ. तो मैं लेके आया फ़ोन को, मैंने यूज़ किया एक दिन, तो उसकी फेस आईडी नहीं चल रही थी. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नॉर्मल इशू है, ठीक हो जाएगी. मैंने उसको फिर से यूज़ किया, मैं उसको शाम तक यूज़ करता रहा भाई, वो फेस आईडी चली ही नहीं. पर यह था कि मैंने जिस शॉप से ख़रीदा तो उसने मेरे को 1 साल की वारंटी दी थी. तो मैं नेक्स्ट डे उसके पास जाता हूँ कि भाई ये फेस आईडी नहीं चल रही है इसकी, तो क्या इशू हो सकता है. तो उन्होंने रख लिया, 2 घंटे का टाइम दिया कि बोले कि इसको रख जाओ और फिर बाद में आना और हम इसको रिपेयर करके दे देंगे. तो मैंने बोला चल ठीक है. फिर मैं 2 घंटे बाद जाता हूँ तो वो कहते हैं कि इसमें कोई मेजर इशू है एंड आप एक काम करो, या तो आप जो आपका आईफोन है इसके बदले कोई दूसरा फ़ोन ले जाओ, और या फिर आप एक काम करो अपना रिफंड ले जाओ. तो फिर मेरा यार मन ही उतर गया, मैंने सोचा कि आप रिफंड दे दो तो फिर मैं उसके बाद में नया ही लूँगा. तो बस वही है, इस इंसिडेंट को 2-3 दिन हो गए थे, तो फिर मैं नया की ट्राई कर रहा था, तो बस अब नया ही लेने जा रहा हूँ. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends. भाई खुशी की बात तो ये कि खुद से कमाए हैं, तभी खुद से खरीदने भी जा रहा हूँ. Don't know the consequence, the volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up. देखो यार, मैं ना थोड़ा सा confused हूँ क्योंकि मेरे सामने इस टाइम पे 14 Pro भी है और Pro Max भी है. तो यार मैंने मतलब सही किया, मैंने ऑनलाइन इसको रजिस्टर नहीं करवाया, क्योंकि अगर मैं प्रो मैक्स देख रहा हूँ तो भाई बहुत बड़ा है. लाइक अगर मैं इसको एक हाथ से यूज़ भी करता हूँ तो मेरा पूरा अंगूठा इसके ऊपर तक भी नहीं जाता है. ऊपर का जो टॉप डायनेमिक स्लेंडर है मेरा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, बल्कि एज कंपेरिजन में अगर इसमें देखता हूँ 14 प्रो में, तो इसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ. मतलब बहुत मस्त तरीके से इसको मैं कवर कर पा रहा हूँ. मैं मेरा मतलब एक अंगूठे से इसको मैं हर ऑप्शन इसका मैं यूज़ कर पा रहा हूँ. मतलब अपर तक मेरा डायनेमिक स्लेंड तक मेरा अंगूठा पहुँच जाता है. और अगर मैं प्रो मैक्स के लिए जाता हूँ तो मैं सिर्फ बैटरी के लिए जाऊँगा, मैं डिस्प्ले के लिए नहीं जाऊँगा प्रो मैक्स की, क्योंकि डिस्प्ले बहुत बड़ी है और यूज़ करना इसको थोड़ा टफ है. और प्रो के लिए जाता हूँ तो प्रो तो है ही नाइस यार, बस इसका मेरे को इनसे कलर पूछना है एंड देन आई विल गो फॉर 14 प्रो. बाकी यार कुछ नहीं कह सकता मैं, माइंड कैप तक इस टाइम चेंज हो जाए. एंड बाकी यार मस्त लग रहा है, नाइस लग रहा है. देखो ये 14 प्रो है और ये 14 प्रो मैक्स है, और अगर इन दोनों की डिस्प्ले में देखूँ तो आप देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. 19-21 का फ़र्क है, बाकी 6.1 और 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है, तो 6 इंचेस का डिफरेंस है. पर बैटरी प्रो मैक्स की बेहतर चलती है, ये ना मैंने रिव्यूज़ देखे इनके, बाकी तो सब सेम ही, आपको पता ही होगा इस बात का. Apoorv, thank you so much. Yeah, thank you so much. You can email. Yeah, please. Sure.
Thank you so much. Yeah, sure. If you can provide me, then it will be like good for me. If you can provide, then it's nice to me. Yeah. Yes. भाई फाइनली 14 प्रो मैक्स लिया है मैंने. लास्ट में डिसीजन वही था बैटरी की वजह से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इतनी बड़ी रिसीट 1,30,000 भाई, जो इंडिया का रेट है 14 प्रो मैक्स का, मतलब जो मैंने यहाँ पे ख़रीदा है इंग्लैंड के अंदर 1,30,000 रुपये का ख़रीदा है, और इंडिया में 1,50,000 का. एंड लेट्स सी कैसा दिखता है. भाई साहब अमेजिंग मैन, डीप पर्पल जो मेरे को चाहिए था. नाइस, वाओ, फाइनली 1,30,000 का आईफोन. मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था कि प्रो और प्रो मैक्स को लेके. बस मेन वही था कि बैटरी का इशू है प्रो के अंदर ना थोड़ा सा, कि बैटरी जल्दी चली जाती है. फिर मैंने जब पावर बैंक पूछा कि, मैं कहा चलो ठीक है, अगर 100 पाउंड में अगर हटा भी देता हूँ और मैं पावर बैंक का भी सोचता हूँ, तो भाई 99 पाउंड का पावर बैंक है जो कि सिर्फ और सिर्फ 60% चार्ज करता है, तो वर्थ इट ही नहीं था यार. तो फिर मैं लास्ट में जो मेरा फाइनल डिसीजन था वो प्रो मैक्स के ऊपर था, डीप पर्पल कलर, 256 GB. एंड 256 GB बहुत है यार, क्योंकि मैं जो अभी 11 यूज़ कर रहा हूँ, 11 तो 64 GB का, ये तो फिर भी 256 GB है. बाकी अगर आप बताना मुझे कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हो तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो. धन्यवाद.